वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक गूगल शीट और एक्सेल का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा टूल बनाया है जिससे ईआरपी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जिसमें आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक कंसोलिडेशन डेटा मॉडल है जिसको मैं बस 15 मिनट के अंदर आपके सामने तैयार कर दूंगा और आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं लाइव डैशबोर्ड्स के लिए। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनता है। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, कुछ भी मिस मत कीजिए। तो फॉर बेटर लर्निंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स वॉच। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे आज का टॉपिक है कि हमें डेटा का एक कंसोलिडेशन टूल बनाना है। जैसे कि हम देखते हैं कि डेली लाइफ में मान लीजिए कि आपके खूब सारे रिटेल स्टोर्स हैं या आपके अंडर कई सारे एम्प्लॉयज हैं जिनसे आपको डेटा कभी कभार कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसका एक आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें हम एक्सेल और गूगल शीट्स का यूज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। जैसे हमारे पास डेटा है यहाँ पे, ये एक तरह का ट्रांजेक्शनल डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट रीजन रिप्रेजेंटेटिव आइटम यूनिट यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, इस तरह का डेटा है जिसके मैं चाहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव वाइज मैं शीट बना लूं और उनसे डेटा अपडेट मांगू। ठीक है, इसके लिए मुझे मेल की जरूरत नहीं। गूगल शीट में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम शेयर कर सकते हैं उसको, तो हम उनसे लाइव अपडेटेड शीट रखेंगे अपने पास। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट में डेटा, ये हमारा पिवट टेबल। ओके, मैंने रिप्रेजेंटेटिव, अब देखिए कि मुझे वो सारा डेटा एज इट इज चाहिए, तो मैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। रीजन डेट रीजन रिप्रेजेंटेटिव आइटम यूनिट, रो में सारा डेटा डालूंगा मैं, यूनिट कोस्ट। ठीक है, अब मेरा सारा डेटा आ गया। यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे ये ग्रुपिंग हो गया है। तो पहले ग्रुपिंग को हटाते हैं, इसके लिए डेट पे इधर क्लिक करें, ग्रुप सिलेक्शन में जाके अनग्रुप पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सारा अनग्रुप हो गया है। अब इसको मैं एक बेहतर टेबल फॉर्मेट में चला जाता हूँ डिजाइन में, और यहाँ पे मैं रिपोर्ट लेआउट ले आऊंगा टेबलर, ग्रैंड टोटल और सब टोटल हटा दूंगा, ग्रैंड टोटल ऑफ कर दिया, सब टोटल डोंट शो सब टोटल पे सेट कर दिया। तो डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये वही ट्रांजेक्शनल लेवल डेटा है जो कि मुझे अपनी शीट्स पे शिफ्ट करना है। और इसको मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक जैसे रिप्रेजेंटेटिव वाइज शीट बनानी है तो मैं एक इसका एक कॉलम डुप्लीकेट कर लूंगा ताकि मैं उसको रिप्रेजेंटेटिव वन इसका नाम दे दूंगा। डेटा को यहां से मैं रिफ्रेश करूंगा राइट क्लिक करके। अब देखेंगे कि यहाँ पे रेप वन का नाम खाली है, तो रेप वन को उठा के हम फिल्टर में डालेंगे। अब शीट कैसे क्रिएट करनी है रिप्रेजेंटेटिव वाइज जिसमें सेम डेटा हो, देखिए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है सारे। तो आप जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, और ये ऑप्शन जो होता है इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ से शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब जैसे ही मैं यहाँ ओके पे क्लिक करूंगा मेरी शीट्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज अपने आप बन जाएगी। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव वाइज डेटा आ गया है। तो सबसे पहले मैं इसे पिवट से हटा लूंगा, तो सब शीट में एक साथ पिवट हटाने के लिए मुझे क्या करना है, इनको ग्रुप करना है। पहले एक शीट को क्लिक किया, शिफ्ट दबा के लास्ट शीट को शिफ्ट किया क्लिक किया, फिर इन सबको ऑल सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट एज वैल्यूज कर लूंगा। ठीक है जी, तो अब ये नॉर्मल डेटा है, ऊपर की दो रोज मुझे नहीं चाहिए, ये भी हटा दूंगा। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। अब ये फॉर्मेट अलग अलग है तो मैं इनको सेट कर लेता हूँ पुराने फॉर्मेट में। जैसे जहां डेट है वहां मैं डेट दे दूंगा, और जहां डॉलर थे मेरे वहां मैं डॉलर दे देता हूँ। ठीक है जी, ऊपर वाली लाइन को बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड कर दिया मैंने, और चाहे तो कलर भी भर लूंगा। इसके बाद मैं इस शीट को सेव कर देता हूँ कंसोलिडेटेड फॉर्म के नाम से, इसको मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद मुझे जाना है गूगल शीट पे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। आपने जाना है माई ड्राइव में, आपका गूगल का लॉगिन लेता है और यहाँ से आपका ड्राइव
आता है कि हमारी ड्राइव में जाके ये न्यू में जाके आप इसको फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फाइल को यहाँ देख सकते हैं जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो यही फाइल मेरी अपलोडेड फाइल इधर आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कंसोलिडेटेड शीट बनाऊंगा। एड शीट की मैंने, इसका नाम बदल के रख लिया कंसोलिडेट। इसको मैं आगे ले आता हूँ। यहां से मैं क्या करूंगा, इनकी हेडिंग कॉपी करूंगा और क्वेरी फंक्शन के जरिए इनको कंसोलिडेट करूंगा। जैसे क्वेरी फंक्शन हम, अगर आप नहीं जानते तो मेरी दो लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसका डैशबोर्डिंग वगैरह में यूज होता है, ये गूगल शीट का फंक्शन है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि पहले आपको क्वेरी का एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा क्वेरी, यहाँ पे हम डेटा कहाँ से लेना है वो देते हैं। मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिए पूरे की यहाँ से लेना है। इसके बाद क्वेरी लगाएंगे हम सिलेक्ट स्टार वेयर ए नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल के लिए साइन आता है, ब्लैंक के लिए दो अपोस्ट्रोफ लगा दिए, उसमें कुछ नहीं लिखा। और मैं बोलता हूँ इसमें कॉलम जो हमारी हेडिंग है वो एक है। तो ये हमारे पास ये डेटा आ गया। अब देखिए इसमें हेडिंग आया, मैं चाहता हूँ हेडिंग ना आए तो मैं यही चीज दो से शुरू करूंगा, ए टू से हेडिंग नहीं लूंगा और यहाँ लिख दूंगा जीरो कि हमारे डेटा में कोई हेडिंग नहीं है। ठीक है, मतलब है तो ऊपर है, हमने जहां से डेटा लिया वहां पे कोई हेडिंग नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह से कंसोलिडेट करेगा। अब उसी के नीचे जैसे एंड्रयूज का आया है, गिल का, इनके नीचे डालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक देखनी पड़ेगी, छोटी सी होती है। जैसे कि आप एरे के फॉर्मूला के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि देखिए क्या होता है। जैसे कि हमारा एक दो ऐसे लिखा हुआ है या एक दो ऐसे लिखा हुआ है, फर्क क्या है, ये दोनों रो में है, ये दोनों कॉलम में है। तो एरे फॉर्मूला में इसके रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक क्या है कि आप कर्ली ब्रेसिस में 1, 2 अगर मैं करता हूं, अगर मैं कॉमा से सेपरेट करता हूं तो ये जाएगा कॉलम में, और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कॉलम तो ये आएगा रो में। अब मान लीजिए कि मुझे रो कॉलम दोनों में चाहिए तो मैं कहूंगा 1, 2 सेमी कॉलम के बाद 3, 4, तो ये रो में जाएगा और फिर वहां से जहां हमने सेमी कॉलम लगाया था वहां से टूट के डाउन में आ जाएगा। तो सेम यही कर्ली ब्रेसिस हम यहाँ यूज करने वाले हैं अपने क्वेरी फंक्शंस के साथ, सबके क्वेरी फंक्शन डेवलप करने के लिए। तो हमारे पास एक शीट थी जिसमें हमने, जिससे हमने डेटा को तोड़ा था, जैसे रिप्रेजेंटेटिव टू वन की अब मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मैंने शीट अलग करने के लिए लगाया था। हाँ, तो मेरा मेन डेटा ये था। इसका अब मैं क्या करूंगा, यूनिक फंक्शन एक लगाऊंगा, चाहे तो क्वेरी भी यूज कर सकता हूँ पर यूनिक बेस्ट। यूनिक फंक्शन लगाऊंगा और यूनिक रिप्रेजेंटेटिव को ले आऊंगा यहाँ पे। तो यूनिक का फंक्शन लगाया मैंने और यहां मैंने उसकी रेंज दे दी, सिलेक्ट कर लिया कि किसमें है। अब ये मेरे पास यूनिक रिप्रेजेंटेटिव आ गए। अब मुझे क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एंड्रयूज के लिए मैंने क्वेरी फंक्शन लगाया था, तो ऐसे ही फंक्शन मैंने इन सब के लिए डेवलप कराना है। तो कैसे कराऊंगा मैं, ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, टेक्स्ट ले लिया रेफरेंस के लिए, यहां डाल लेता हूँ टेक्स्ट ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने ये टेक्स्ट इधर डाल लिया। अब मुझे क्या क्या करना है इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए कि एंड्रयूज की जगह जोन्स आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे गया, इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा टेक्स्ट आता है। अब ये जो लेना है इसके बाद एंड्रयूज जो लेना है हमें, वो लेना है कहाँ से, सेल से। तो मैंने एंड की लगाई और इसके साथ ये i2 से वैल्यू ले ली, फिर से एंड की लगाई और ये मैंने टेक्स्ट अलग अलग कर लिया। अब मेरे पास इधर से डेटा आ रहा है और यहाँ पे हमें क्वेरी फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमा भी यूज होते हैं, तो हमें जहाँ इन्वर्टेड कॉमा आ सकते हैं वहां डबल डबल कर देने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। इसको क्लोज किया तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट जनरेट होके आ गया, जैसे जोन्स आ गया उसकी जगह। ये सबके मैंने क्वेरी फंक्शन जनरेट करा दी। अब देखिए कि इसमें ये एक नाम है, सिंगल वर्ड का नेम है। अगर आपका दो वर्ड का होता है तो आप छोटी सी चीज और करेंगे इस फंक्शन में। यहाँ पे आगे इससे पहले ये सिंगल कोड्स आपको लगाने पड़ेंगे ताकि अगर आपका दो बीच में गैप है शीट के नेम में तो आप इसके अंदर डलवा सकते हैं पोस्ट ऑफ के। ठीक है, तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ये सारे फंक्शन हमारे पास जनरेट हो चुके हैं।
अब हम वन बाय वन उसके अंदर लगाएं जाके, उससे अच्छा है कि मेरे पास इसको भी ज्वाइन करने का एक फंक्शन है जो ज्वाइन फंक्शन है। तो ज्वाइन का फंक्शन मैंने यूज किया, उसमें डेलिमीटर मैंने सेमी कॉलन ले लिया और मैंने जो रेंज दे दी ये वाली दे दी, ठीक है, जहां मैंने फंक्शन लगे। तो ये सेमी कॉलन के साथ इसने इसको ज्वाइन कर दिया, देख रहे हैं सेमी कॉलन है। तो मुझे क्या चाहिए स्टार्टिंग में, कर्ली ब्रैकेट्स, तो वो मैं इसी ज्वाइन के अंदर ही, इसी ज्वाइन के फंक्शन में ही टेक्स्ट के थ्रू कंकैटिनेट करा देता हूँ। तो मैं कर्ली ब्रैकेट को ज्वाइन करा दिया यहाँ पे, और ऐसा ही जाके मैं इसके एंड में करूंगा, ये ज्वाइन फंक्शन में एंड में मैंने कर्ली ब्रैकेट फिर से लगा दिए, तो मेरा कर्ली ब्रैकेट से आ गया। अब मैंने इसको कॉपी किया और जहां पे मुझे डालना है इधर आ गया मैं, और यहाँ ये फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया और इसकी जगह इक्वल टू लगाया और वो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, एंटर किया। तो यहाँ पे मेरा सारा डेटा आ जाएगा जितना भी मेरा इन शीट्स में मौजूद है। तो इस टूल का यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आप जोन्स का देख रहे हैं, लास्ट एंट्री क्या है 22 अक्टूबर, तो अगर जोन्स हमारा कोई नई एंट्री करता है, जैसे मैं करता हूं 22 दिसंबर ईस्ट जोन्स के नाम से, और यहां पे मैं दे देता हूं शार्पनर 54 यूनिट्स $10, और यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट निकाल लेता हूँ, ये आ गया। तो यही एंट्री आप मेरे कंसोलिडेट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लाइव डेटा अपडेशन चलता रहेगा। अगर क्वेरी फंक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है, मेरी आप लास्ट 2 वीडियोस को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत पावरफुल टूल है और इसका यूज अच्छी अच्छी जगह हो सकता है, यानी कि आपको ERP लगाने की जरूरत नहीं, ना शीट को मेल करने की जरूरत है, ये डेटा आपका लाइव रहेगा। इससे आप कई तरह की मैट्रिक्स लाइव डैशबोर्ड्स में देख सकते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे लगा देता हूँ डेटा में जाकर पिवट टेबल, तो आप अपनी सेल को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि किस रीजन में आपकी किस प्रोडक्ट की आइटम की कितनी सेल हुई है वैल्यूज में, ये आपका लाइव अपडेटेड रहेगा। इसी से आप जुड़े हुए कई चार्ट्स लगा सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स बना के आप लाइव ERP की जो फैसिलिटी है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद ही वही केवल इसको सिस्टम को यूज कर पाए और एक दूसरे के उसमें काम ना कर पाए, तो इनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्ट शीट करके उनको आपको सेट परमिशन करेंगे, और यहाँ पे हम कस्टम में जाके उनकी ईमेल आईडी दे देंगे जो कि जीमेल की ही होनी चाहिए, तो सिर्फ वही आदमी इसको यूज कर पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए मैं एक फ्यूचर में एक ऐसा ही टूल या प्रोजेक्ट आपके लिए लेके हाजिर हूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।